कोई खोया, कोई दूर दराज। छात्र किनका बेट प्रथम, किनका आपने अपना महत्वपूर्ण जीवन लोगों की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित किया। आप हर छोटी बड़ी घटनाओं से लोगों को जागरूक करने का के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आपका जीवन इस बेंगाबाद क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गिरिडीह जिले के लिए एक मिसाल बन करके है। अगर किसी को खून की जरूरत है तो आपके न्यूज के माध्यम से उसे मिल जाता है। किसी को शादी विवाह में धन की जरूरत है तो आपके माध्यम से उसे उपलब्ध हो जाता है। किसी को भोजन की जरूरत हो, कोई खोया, कोई दूर दराज क्षेत्रों में चला गया, उसे आप तुरंत मिलवाते हैं। तो आपका यह प्रयास सराहनीय है और इसके लिए हम सभी विद्यालयवासी इस एलएनटी पब्लिक स्कूल के छात्रावास के छात्रगण आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे निवेदन है कि आप इस छात्रावास में उपस्थित बच्चों से एक मिलजुल करके रहते हैं। अरुण कुमार राय जी जो हर मामले में हर क्षेत्र से जगदीश को फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय ग्रेटिट्यूड। क्या बैंड नंबर आपका? कमजोर होगा तो मन कमजोर होगा, मन कमजोर होगा तो युवा जो मेरे दिल पे है मन पे होगा, है कि नहीं? गंदगी से क्या होता है? नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद ही नहीं पूरे जिले के अपने आप में एक अलग मिसाल और अलग पहचान रखने वाला विख्यात एलएनपी विद्यालय का यह हॉस्टल है, जहां का नजारा जो आप देख पा रहे हैं बड़ा ही रोचक और मनमोहक है। यहां पर जांच हेतु तरुण राय जी जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, भाजपा नेता श्री पूजन राम जी के अलावे पत्रकार बंधु कई लोग आए हुए हैं यहाँ पर जांच रिसर्च करने के लिए। किसी ने सच ही कहा है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और एलएनपी लगातार दहाड़ रही है। और बीएनबी सच है तो बोलेगा, शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बीएनबी सच है तो बोलेगा। आज आपको वही सच दिखाने के लिए एलएनपी विद्यालय के हॉस्टल में लेकर के आया हूं, और यह नजारा जो आप देख पा रहे हैं विद्यालय के हॉस्टल का है, जहां पर लगभग 100 बच्चे से अधिक यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं और बिल्कुल
मस्त और बिंदास रह रहे। सबसे खास बात यह है कि बिहार झारखंड राज्य के अलग अलग जिलों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और रह रहे हैं, और बच्चे बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अभी सभी बच्चे से बात की गई तो बच्चे ने सब अपना अपना परिचय दिया और बताते चले कि यहाँ पर 70 बेड हैं और एक बेड में दो बच्चे रह रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा सारी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा है, क्या नाम हुआ आपका? शिवराज सिंह चौहान। कहाँ से रहने वाले हैं आप? देवघर। देवघर के, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? सिक्स मंथ से। कैसा लग रहा है पढ़ाई में यहाँ? अच्छा लग रहा है। खुश हैं आप? यस। खाना मिलता है बढ़िया? हाँ। देखिए बढ़िया मिलता है और बच्चे भी यहाँ पर खुश हैं। और बच्चे से हम लोग बात करेंगे। कोई बच्चे बोलना चाहेंगे विद्यालय के बारे में? चलिए चलिए, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल में अच्छा पढ़ाई होते हैं और अच्छा हॉस्टल भी है, इसलिए और हम स्कूल का और आगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार यादव। बताइए क्या नाम है आपका? माय नेम इज अभय कुमार यादव। आई रीड इन क्लास 6 एंड इट स्कूल इज वेरी गुड बिकॉज़ माय अनिल सर एंड अभय सर इज वेरी गुड इन दिस स्कूल, वेरी वेरी वेल स्टडीज अवेलेबल इन दिस स्कूल। आप बताइएगा और कोई कुछ कहना चाहेंगे? बच्चे कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? बताइए क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। यस सर। खाना वाना खाते हैं ना आप? यस सर। उदास फिर क्यों है? नहीं सर, खुश हैं। यस सर। आज क्या है? आज 2 अक्टूबर है, गांधी दिवस, गांधी जयंती। यस सर। तो देखिए बच्चे, सबसे खास बात यहाँ की ये एक प्रतियोगिता चलाया जा रहा है यहाँ पर कि गांधी जयंती के अवसर पर कौन से बच्चे ने सबसे बेहतर साफ सफाई और स्वच्छता पर ध्यान रखा है, रूटीन पर ध्यान रखा है, इसको लेकर यहाँ पर पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचे हुए हैं तरुण कुमार राय जी। चलिए हम लोग इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लालटू कुमार यादव। कौन क्लास में पढ़ते हैं? LKG। LKG में। एक बार सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे अपने अपने बेड पर। तो देख पा रहे हैं ये LNP विद्यालय का यहाँ पर हॉस्टल है जहाँ पर छात्र लोग बड़ा इंजॉय के साथ रहते हैं, पूरे पठन पाठन पर ध्यान देते हैं। यहाँ के शिक्षक लोग भी बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और LNP उसी तल पर चल रहा है और लग रहा है कि आने वाले समय में इन बच्चों का भविष्य जरूर निखरेगा क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। आइए हम लोग यहाँ जो पर्यवेक्षक के रूप में जांच हेतु यहाँ पहुंचे हुए हैं तरुण कुमार राय जी, श्री पूजन जी, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे कि कैसा लगा रिसर्च और जांच पड़ताल के बाद में, कैसा लगा विद्यालय सर आपको यहाँ आने के बाद में? बहुत ही ठीक लगा। बच्चे पूरे जिले से, अपने जिले से बाहर के बच्चे एक साथ एक हॉस्टल में घर छोड़ के सिद्ध मैंने शिक्षा ज्ञान अर्जन और कुछ क्या कहते हैं शिक्षा के बाद नैतिक शिक्षा दीक्षा ये सब ग्रहण करने के लिए घर से बाहर निकले हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सारे बच्चे एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी है यूनाइटी, एक साथ मिलजुल के रहने का जो है बचपन से एक आदत, सभी विपट परिस्थिति, सभी धर्मों के बच्चे, सभी धर्म और सभी जाति से बिलोंग करते हैं और एक जगह जाके वो एक साथ रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात वो है। दूसरी बात है और एक दूसरे का सहयोग, जब घर से बाहर निकल के लोग बच्चे हॉस्टल में साथ साथ रहते हैं तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो बच्चे सीनियर हैं जो कमजोर हैं वो भी उसके रेस में साथ साथ ताल में ताल मिला के चलने लगते हैं, अच्छे हैबिट्स अच्छे संस्कार यहाँ से डेवलप होते हैं, वो संस्कार लेके वो अपने घर में जाते हैं और घर का माहौल भी परिवर्तन होता है। वो जो अभी जो इन लोग का जो भविष्य माने निर्माण का समय है, अभी ये फूल रहे हैं सभी, खिलने का समय से पहले अब उग रहे हैं, इसी समय इनमें जो अभी ज्ञान और व्यवहार की प्रैक्टिस, उसकी जो आदत अपने जीवन में पड़ेगी, जीवन के अंत तक वो इन लोगों के जीवन में रहेगा, इसी के निमित्त चाहिए ये स्कूल की तरफ से जो चीजें की जाती है बीच बीच में कार्यक्रम और ये क्या कहते हैं हम लोग क्रिया, जिससे बच्चों में एक स्पर्धा आती है कि हम स्वच्छ कैसे रहें, रख रखाव कैसे हो, इसकी जानकारी और वो एक दूसरे से सीखते हैं, उसमें भावना में आती है कल हम और बेहतर करें, वो पढ़ाई के मामले में हो, वो बातचीत के मामले में हो, वो अपने को प्रस्तुत करने के मामले में हो, इसके निमित्त आप देखते हैं कुल मिलाकर सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, सर्वांगीण विकास का ये एक स्रोत है, माध्यम है
और यही उनका अनुकूल समय भी है। इसी समय जब उनमें ये सारी चीजें मिलेगी तो वो सर्वांगीण विकास होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। सर्वांगीण विकास अगर चाहिए, अगर अपने बच्चों को आप देना चाहते हैं तो LNP हॉस्टल में आप बेफिक्र होकर के भेज सकते हैं, आपके बच्चे सर्वांगीण विकास से परिपूर्ण होकर के बाहर निकलेगा इस विद्यालय से। यहाँ पर जज के रूप में, जो प्रवेक्षक के रूप में श्री पूजन जी भी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कैसा लगा सारे बच्चों से मिलने के बाद में। कैसा लगा श्री पूजन जी, जब आपने सभी बच्चों से बात की, देखा, मिला, कैसा लगा यहाँ का हॉस्टल, साफ सफाई, स्वच्छता? धन्यवाद, मैं BNB के माध्यम से मैं इस विद्यालय को मैं आम जनता तक पहुंचाने का जो संदेश दे रहा हूं, मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद मैं जगन्नाथ जी को देता हूं कि जो BNB का एक सोशल मीडिया के बेताज बादशाह के नाम से भी जाने जाते हैं, और मैं धन्यवाद यहां के जो विद्यालय के अपने जो डायरेक्टर है अवधेश कुमार सिन्हा जी, अनिल कुमार सिंह जी, और अपने जो इस हॉस्टल के जो प्रभारी हैं, मैं उसे भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं स्मरण उस दिन का भी करता हूं कि आज जिस प्रांगण में मैं खड़ा हूं, इस वृक्ष रूपी जिसके छाव में आज बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षा बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज भी मेरी देश, मेरा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखित पुस्तिका से चल रही है। आज मैं उस महानुभाव का मैं नमन करना चाहता हूं जो बेंगाबाद में 20 साल मुखिया रहे, जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण प्रसाद। आज उन्हीं के नाम से विद्यालय है और आज उसी के वटवृक्ष में हम लोग सब पढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके आत्मा अमर होगा, अमर है, मैं उसे नमन करना चाहता हूं आज इस प्रांगण में। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, ये जो शिक्षा का ज्वाला है वो जलना चाहिए। आज जो शिक्षा का ज्वाला जो लेकर के चले हैं अनिल जी और अहरे जी ने, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बेंगाबाद का मान, बेंगाबाद का स्वाभिमान और बेंगाबाद का नाच LNP पब्लिक विद्यालय है। देख पा रहे कहने कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, शिक्षा का अलख जगना चाहिए, और वह लगातार अलख LNP में जगाया जा रहा है। हॉस्टल प्रभारी से मिलेंगे क्योंकि बड़े ही सुचारू रूप से यहाँ पर संचालन की विधि देखी गई है, उनसे जानेंगे कि आखिर राज क्या है और कैसे इतने आप बच्चों को सबको एक साथ हैंडल कर पाते हैं, बताइएगा। हाँ बोलिए बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कन्वे माय थैंक यू सो मच फॉर आवर चीफ गेस्ट, एंड आई हैव जस्ट व्हेनेवर आई जस्ट जॉइन दिस स्कूल आई हैव अडॉप्टेड अ little different kind of teaching methodology which develops in all respect, either it is in sense of physically, intellectually, economically, socially. So these things I will just try to continue forever and ever. So thank you so much. कैसा लगता है जब ये बच्चों के साथ आप रहते हैं, कैसा फील करते हैं? एक बहुत ही बेहतर इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट यहाँ के बहुत सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव है एंड बहुत ही एडप्टेटिव है, ये बहुत बड़ी बात है और काफी बेहतर है। शिवरंजन कुमार सिन्हा। शिवरंजन सिन्हा जी का कहना है कि बहुत अच्छा फील करते हैं और फ्रेंडली टाइप रहते हैं यहाँ पर। अनिल जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, काफी मेहनत लगातार कर रहे हैं इस विद्यालय के प्रति, काफी लगनशील हैं, और ये जो बच्चे जो देख रहे हैं इनका अहम योगदान रहता है इन बच्चों के प्रति, क्या कहना चाहेंगे सर जी? जगन्नाथ जी धन्यवाद आपको। यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो इतने अच्छे हैं कि इतने अनुशासन प्रिय हैं, और दूर दराज से जितने भी बच्चे आए हैं वो सभी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। हम लोग उनको जितनी बातें जो सिखाते हैं बहुत अच्छे से जो सीखते हैं, लेकिन सबसे अहम योगदान हमारे हॉस्टल प्रिंसिपल, हॉस्टल जो प्रभारी जो है शिवरंजन जी, उनका है। और हम लोग तो सिर्फ जो देख रेख में मैं जो करता धरता जो क्या बोलते हैं हॉस्टल इंचार्ज ही हैं, तो उनको धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद दे रहे हैं हॉस्टल इंचार्ज को यहाँ पर। सर थोड़ा सा दोस्तों आप भी बता दीजिएगा, कैसा फील करते हैं इन बच्चों के साथ जब रहते हैं आप लोग यहाँ पर? मैं इन बच्चों के साथ आज से नहीं लगभग 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत ही यह कहने में खुशी हो रही है कि
जो शिष्टाचार इन बच्चों में आया है, जितना हम लोगों ने कर पाया है और अभी फिलहाल तो और करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं सारे, और अपनी कर्मठता को लेकर के और जो भी शिष्टाचार सिखाए जाते हैं इन सभी को, वो सारे बच्चे फॉलो करते हैं और वी आर गोइंग टू गिव अ क्वालिटी एजुकेशन इन LNP पब्लिक स्कूल अकॉर्डिंग टू NEP 2020. Holistic development is being done in our school. Thank you. तो देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलते हैं इस विद्यालय में, और एक सही जीवन को जीने के लिए संस्कार नितांत आवश्यक है, शिक्षा ही नहीं, अभी तो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी मिलना जरूरी है, और वो चीजें यहाँ पर दोनों प्रोवाइड की जाती है विद्यालय के द्वारा. हम लोग उनके पास चल रहे हैं, LNP के निदेशक महोदय, जो इस विद्यालय के भाग्य विधाता है, इन बच्चों के यूं कहें कि भाग्य विधाता है. अब देखना यह है कि इन बच्चे कहां तक ये लेके जाते हैं, क्योंकि सारा जो श्रेय और यूं कहें कि फलाफल जो आने वाला जो भविष्य है इनके हाथ में है. तो हम चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए क्या संदेश, और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश, और जो यहाँ पर एडमिशन कराना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश. धन्यवाद जगन्नाथ भाई. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं इस ग्रामीण क्षेत्र का ही निवासी हूं, और एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने के कारण मैं बहुत सारी समस्याओं का सामना किया अपने शैक्षणिक जीवन में. तब से मैंने एक प्रण लिया कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे जो आर्थिक रूप से ही कमजोर हैं, साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में हैं, आखिर वो शिक्षा के मुख्य धारा से कैसे जुड़े. उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से ही मैंने इस विद्यालय की स्थापना LNP पब्लिक स्कूल बेगाबाद का किया, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ. और दूसरी मेरी एक समस्या आ रही थी कि दूर दराज के गांवों में जहाँ तक सड़कें नहीं है, शिक्षा की बात तो दूर, शिक्षा से महरूम है, आखिर वैसे बच्चे मुख्य धारा से कैसे जुड़ेंगे शिक्षा का. उनके लिए मैंने इस छात्रावास का निर्माण किया. संजोग देखिए, या मेरा सौभाग्य कहिए, इन बच्चों का या वैसे अभिभावकों का सौभाग्य कहिए, कि इस विद्यालय से जुड़ करके वो अपने बच्चे को यहाँ पर सौंप दिए. जो बच्चे आज चकाचौंध की दुनिया में मोबाइल से दूर हैं, गलत दिशा में जाने से दूर हैं, आज वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार ले रहे हैं और सही दिशा में अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट करके शिक्षा के एक नए मुकाम को तक पहुँचने के लिए प्रयासरत हैं. मैं उन सारे अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हम पर विश्वास जता करके अपने बच्चों को सौंपे हैं. और मैं वैसे अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि दूर दराज में अगर बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है तो आइए हमसे जुड़िए, अपने बच्चों को दीजिए, उनके भविष्य को साकार करना, सफल बनाना मेरा उद्देश्य है, और आपके सपनों को साकार करना मेरा उद्देश्य है. इसी उद्देश्य के लिए कम खर्च में इस LNP पब्लिक स्कूल बेंगाबाद, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उस दूर दराज के पिछड़े क्षेत्र के अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, ताकि वो यहाँ पर आकर के अपने भविष्य को साकार कर सके, अपने सपनों को सच कर सके. बस इसी उद्देश्य से इस विद्यालय के स्थापना. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालय है, और सबसे खास बात यह है कि शुरू हुई थी, हम लोग आज अवधेश सर से जानेंगे कि आखिर लोगों का रुझान अलग अलग क्षेत्रों में जाता है, इस शिक्षा के प्रति आपका रुझान कैसे बढ़ा और यहाँ तक जो मंजिल आपने सफर तय किया, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई, आपने कड़ी मशक्कत से मेहनत की है, लेकिन आखिर शिक्षा के प्रति अलग जगाना, ये रुझान कैसे आया, इस पर कहाँ से प्रेरणा मिली सर? मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, और जो मेरा दौर था उस दौर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुख्य स्थान पटना या दिल्ली हुआ करता था. ऐसा संभव नहीं था सारे बच्चों के लिए वैसे बड़े शहरों में जाकर के निवास करके शिक्षा अर्जित करना, ये सबों के लिए संभव नहीं था. मैंने वहां पर जाकर के कुछ चुनौतियों का सामना किया, और इसी बीच में मेरे पिताश्री का निधन हो गया जब मैं पढ़ाई जारी रख रहा था. मैंने उस आर्थिक तंगी को महसूस किया कि एक अभिभावक के अभाव में, पैसे की कमी के कारण मैं अपने शिक्षा को जारी नहीं रख सकता और मैं कोई विशेष पद को हासिल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आर्थिक परेशानी सबसे बड़ा कारण बनता है विद्यार्थियों के क्षेत्र में. उसी दिन मैंने ठाना कि अगर मैं एक बनता तो सिर्फ अपने घर को रोशनवान करता, रोशनी देता, क्यों नहीं मैं ऐसा अलग जगाऊं कि हमारे क्षेत्र के तमाम बच्चे
इस आर्थिक परेशानियों की बाधा को पार करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें और अपने सपने को साकार कर सकें, इसी उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में जुड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे थे एलएनपी के निदेशक अवधेश सिन्हा जी से बात हो रही थी, वो खुद आर्थिक तंगी से और दौर से गुजर चुके हैं। इन्होंने ठाना है कि जितने भी हमारे क्षेत्र के अलावे अन्य राज्यों के भी बच्चे यहाँ पर पठन पाठन कर रहे हैं, वैसे बच्चे और उनके भविष्य को, सपने को साकार करना इनका उद्देश्य बन गया है। निश्चित रूप से बीएनबी भी शुभ मंगल कामना करती है सभी बच्चों के लिए, एलएनपी के निदेशक के लिए, तमाम विद्यालय परिवार के लिए, कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो और साथ में इनका लक्ष्य और विद्यालय के सभी बच्चों के सपने साकार हो। बड़े रहे आप बीएनबी के साथ और आप भी कर सकते हैं दिल की बात, और देखते रहे कब कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।